So we are back finally. We were having some technical issue. तो जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, हशाम हमारे पास अभी views हैं? जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं kindly confirm कर दें कि मेरी audio और video आपको clear आ रही है. I am really very sorry. हमारी जो audio थी वो अभी तक आपको नहीं आ रही थी. तो इसका हल हमने निकाल लिया है and the hull is caller mic. ठीक है, तो मैं जो शुरू करता हूँ दोबारा अपना वेबिनार. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इतना ज़्यादा कवर नहीं किया था. इस वेबिनार के अंदर हम आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें शेयर करते हैं. इस वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है वो है मर्फीज़ लॉ एंड 12 कॉमन कॉजेज ऑफ एरर. और ये 12 कॉमन कॉजेज ऑफ एरर जो होते हैं ये किसी भी प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं. कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसमें आप जो गलती करते हैं तो उसका कोई ना कोई रूट कॉज होता है, कोई ना कोई उसका रूट कॉज होता है. और रूट कॉज एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ग्रो इन दैट फील्ड. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर एविएशन पर्सनल एज वेल है एंड एज वेल एज फॉर नॉन एविएशन पर्सनल भी हमारा ये आज का टॉपिक. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. मैं थोड़ा सा रोड मैप आपको देता चलूँ कि सबसे पहले हम रीकैप करते हैं. सबसे पहले हम रीकैप करते हैं कि हमने पिछले वेबिनार्स के अंदर क्या कवर किया. इसकी वजह ये होती है जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो दे विल हैव टू बेयर विद अस. और उसके अंदर उन्हें हमें इतनी थोड़ी सी हमें एक क्वेश्चन दें कि हम उन लोगों को भी एड्रेस कर सकें जो हमें इस वेबिनार के अंदर न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं. हम एक बेसिक हमारी थीम प्रेजेंटेशन होती है वो हम देते हैं और बोइंग की रिपोर्ट होती है वो हम शेयर करते हैं जो कि बताती है कितनी डिमांड है एविएशन इंजीनियर्स की थ्रू आउट द वर्ल्ड. और एयरबस की रिपोर्ट जो कि इन जनरल बताता है कि एविएशन की ग्रोथ किस किस तरह से हो रही है. सिटीज एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट एयरबस की जो रिपोर्ट है वो उसके साथ मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ. इस वेबिनार के अंदर जो हमारी कोशिश होती है वो ये कोशिश होती है कि हम जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्स से जो हमारी इंफॉर्मेशन आई हुई होती है वो शेयर करें. और इस वेबिनार के अंदर ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम सिंसियरली समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर की जाए दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट ऑथेंटिसिटी. ठीक है, इस वेबिनार के अंदर मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं हशाम. हशाम आपको दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि हमने लास्ट टाइम सिर्फ हमारा चेहरा ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा था, हमारी ऑडियो नहीं जा रही थी. तो आपको दोबारा आके हशाम अब्बासी मेरे साथ करियर काउंसलर हैं और ये जो हैं इनकी जबानी आप सुन लें, इन्होंने कुछ कहना होगा ज़रूर. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत चाहेंगे हम कि आपके साथ हमें आपके हमारी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच पाई, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं सारी चीज़ें. बेसिकली हमारा आज का मकसद फिर कोई एक चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करना है और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैंने आज सुबह से ही इस्माइल से पूछा था कि आज का टॉपिक जो है मुझे इसके बारे में कुछ गाइडेंस दें, तो उन्होंने तो मुझे डायरेक्ट मना किया. उन्होंने बोला नहीं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बताऊँगा ऑडियंस के साथ. आज तुम भी ऑडियंस बन के देखो, तो आज मैं भी आपके साथ एक ऑडियंस ही हूँ. इंशाल्लाह हम मिल के कुछ ना कुछ सीखेंगे, इससे तो बहुत फायदा होगा. और एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि शेयर करें इस चीज को, आप सीखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं इस चीज को. ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस मैसेज हशाम. अच्छा हशाम, हमारा टॉपिक जो है वो डिस्प्ले हो गया इसके ऊपर. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोड मैप देता हुआ चलूं. पहले हम रीकैप करेंगे पिछले वेबिनार्स की, फिर हम मर्फीज़ लॉ एंड 12 कॉमन कॉजेज ऑफ एरर पे डिस्कस करेंगे, फिर मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक आपके साथ शेयर करूंगा. उस शेयर को शेयर करने का मकसद ये होता है कि अल्लामा इकबाल ने हमारी यूथ के लिए ख्वाब देखा था, तो क्या हम उस ख्वाब को फुलफिल कर रहे हैं, क्या हमने अपने आप को उस अपना लेवल अप किया है और उस स्टैंडर्ड पर ले गए हैं कि हम अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा कर रहे हैं. फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट, और वो एक कोट का भी पर्पस जो होता है वो मोटिवेशनल होता है. जो लोग अभी देख रहे हैं मेरे ख्याल से हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर आ रही होगी, जिसको क्लियर आ रही है वो कंफर्म कर दें. हमें कंफर्मेशन आई है किसी से? अच्छा, और लास्टली हम एक प्रॉमिस करते हैं कि इस सोसाइटी में बेटर सोसाइटी कैसे बन के हम सामने आए, कि हमारी इमेज पूरी दुनिया में इतनी अच्छी हो जाए कि एज अ सोसाइटी के हम उसके ऊपर रश करें. फिर लास्ट वेबिनार के अंदर हमने कोरोना वायरस के मद्देनज़र ये कहा था कि हम हैंड वॉश करेंगे
और हम सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, और सेकंडली जो लड़कियां स्कूटी चलाती हैं वो हेलमेट पहनेंगी, जो लड़के बाइक चलाते हैं वो भी हेलमेट पहनेंगे, इस चीज़ का हमने अहद किया था। तो अशाम मैं वीवर से परमिशन ले लूं कि हम 4-5 मिनट वेट कर सकते हैं? हाँ, फॉर श्योर। अब जो लोग हमें देख रहे हैं अभी, काइंडली बेयर विद अस, 4-5 मिनट मैं आपके लूंगा थोड़े से, और थोड़ी सी ऑडियंस बिल्डअप हो जाएगी, देन वील मूव अलॉन्ग विद देम। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द ऑडियो इशू, और अशाम तुम्हें जो है ना थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरे पास है, ठीक है। आई थिंक मुझे हमें अब शुरू करना चाहिए क्योंकि हमारी ऑडियंस ने वैसे ही बहुत इंतजार किया हमारा, और पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं हमारा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब उनको और इंतजार करवाना चाहिए। चलें, और इंतजार नहीं करवाते। चलें जी, स्टार्टिंग ऑफ विद अवर बेसिक थीम, बेसिक प्रेजेंटेशन। वो बेसिक प्रेजेंटेशन हमारी जो होती है वो दैट टॉक्स अबाउट स्कोप ऑफ एविएशन मेंटेनेंस इंडस्ट्री एंड वेदर इट्स द राइट करियर चॉइस नाउ और नॉट, ठीक है। इसमें हम शुरुआत इस तरह से करते हैं कि व्हाट इज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। देखें, मशीन हर वो चीज़ है जो आपका काम आसान करे और आपका टाइम बचाए, ठीक है। तो जहाज भी एक मशीन है, और आपने देखा होगा कि हर मशीन, वेदर अ ब्लेंडर, अ चॉपर, अ कार, हेलीकॉप्टर या जहाज, ये सब एक मशीन है, और हर मशीन जो डिमांड करती है वो करती है मेंटेनेंस। तो जहाज के ऊपर जो मेंटेनेंस करते हैं दे आर कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, और इस पूरी फील्ड को कहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर मैं आपके साथ एक ये चीज डिस्कस करता हूं कि जॉब हंट डायनामिक्स किस तरह से चेंज हुए हैं। जॉब हंट डायनामिक्स कुछ इस तरह से चेंज हुए हैं कि पहले आप अपने आप को इनरोल करा लिया करते थे एक कोर्स प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर 10,000 से 15,000 स्टूडेंट उसी प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुए हुए होते थे थ्रू आउट द कंट्री, और वो कोर्स प्रोग्राम पे आप अपना टाइम लगाते थे, आप अपना पैसा लगाते थे, और फिर उसके बाद आप जब पास आउट होके निकलते थे, ग्रेजुएट हो जाते थे, तो फिर उसके बाद आप जॉब सर्च स्टार्ट करते थे करना। देखें, जो मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि अगर 100 मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर 100 जॉब्स हैं, लेट मी रीफ्रेज इट, कि अगर एक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल 15-16 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसके अंदर 100 से 150 जो है वो जॉब्स निकल रही हैं, जॉब ओपनिंग आ रही हैं, और पास आउट हो रहा है कोई 10,000 से 15,000 बच्चा, और हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि सारे स्टूडेंट्स दे डोंट एंड अप गेटिंग एडमिशन इन लम्स, आईबीए, इस तरह की बड़ी यूनिवर्सिटीज, और मल्टीनेशनल यूजुअली प्रेफर करती हैं इस तरह के बड़ी यूनिवर्सिटीज से निकले हुए बच्चे। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं वो सफ़र करते हैं, ठीक है। अगर आप जाके देखें जॉब एक्सपो जो लगता है एक्सपो सेंटर के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर, तो इतनी भीड़ आई हुई होती है अनएम्प्लॉयड लोगों की, क्योंकि एक एलिमेंट उसमें मिसिंग था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मिसिंग थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यू और स्मार्ट मेथड की जो कि जॉब हंट के लिए होता है। अच्छा, वो न्यू और स्मार्ट मेथड क्या है कि पहले आप सर्वे करें कि पूरी दुनिया में डिमांड किस चीज़ की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी से सर्च करना शुरू करेंगे, इफ़ यू आर 18 ईयर्स ओल्ड नाउ और 16 ईयर्स ओल्ड नाउ, अगर आप अभी से सर्च करना शुरू करेंगे कि यार पूरी दुनिया में अगले 4 या 5 साल के बाद जब मैं पास आउट होके निकलूंगा, जब मैं ग्रेजुएट होके निकलूंगा, तो किस चीज़ की डिमांड है, तो वो डिमांड जो आप उसको सर्वे करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो आपको उसके रेलेवेंट हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। और उसके रेलेवेंट आपको उसके सारी रिसर्च इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप उसको देखें, उसको ढूंढें, उससे रेलेवेंट प्रोग्राम पे अपने आप को एनरोल कराएं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कोर्स परसू करें, और फिर आप पास आउट हों तो आपके पास जॉब्स जो हैं वो लाइंड अप होंगी इंशाल्लाह। वो इसकी वजह ये है कि आपने जो है वो रिसर्च की है,
मैंने जो बताया था ना एलिमेंट जो मिसिंग है, वो एलिमेंट मिसिंग है दोनों जॉब हंट के तरीके में, जो पुराना वाला मैंने आपको बताया और नया वाला, उसमें एक चीज थी, दोनों में डिफरेंस था रिसर्च का, रिसर्च का एलिमेंट मिसिंग है। तो अशाम, अभी तक लोगों ने ज्वाइन किया हमें? अच्छा, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनसे मेरी हमेशा की तरह एक गुजारिश है कि प्लीज इस पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर या अपनी टाइमलाइन के ऊपर शेयर करें, क्योंकि हम एक प्रोसेस में हैं। वो प्रोसेस हमारा ये है कि हम इस कोर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान ही वो कंट्री हो कि जहां से रिसोर्सेज निकलें और इस एविएशन मेंटेनेंस इंडस्ट्री के पूरी दुनिया में जो गैप आया हुआ है उसको फुलफिल करें। अच्छा, तो मैं आगे बढ़ूं शाम? आई होप ऑल इज ओके नाउ, ठीक है। अच्छा, इसकी फिर मैं आपको एक छोटी सी ये एग्जांपल देता हूं कि जो राइट टाइम पे, जैसे अगर आप देखें कि अर्ली 2000s में, यानी जब ईयर 2000 चल रहा था या 2001 2002 2003, तो आईटी का एक बूम आया हुआ था। तो राइट टाइम पे जिन्होंने आईटी का कोर्स कर लिया था वो उनके लिए पॉइंट्स बढ़ गए थे इमिग्रेशन के इन कनाडा इन यूएसए, और वो आज वहाँ बैठे हुए हैं। कंसल्टेंसी फीस उनके अगर आप देखें तो इट इज़ रीचिंग स्काइज, ठीक है। उसकी सिर्फ एक वजह ये थी कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट कोर्स कर लिया था और राइट चॉइस की थी, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा स्कोप ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है। उसकी जो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये बोइंग ने रिवाइज भी की थी। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि बोइंग एक कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, वैसे ही जैसे टोयोटा एक कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट, जो कि कार बनाती है, ठीक है। तो बोइंग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर टोटल इंजीनियर्स जो रिक्वायर्ड हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो हैं 7,69,000। बोइंग की ये रिपोर्ट है जो आपके सामने भी आ रही होगी, और ये भी एक रिपोर्ट है जो मेरे हाथ में, ये बोइंग की वेबसाइट्स के ऊपर से मिल जाएगी, और ये उसके फिगर्स हैं जो कि मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन, अच्छा, वेमेन इन एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं 8 मार्च को वुमेन्स डे भी था, और उसके अंदर हमें एक चीज़ जो प्रमोट करने वाली ये थी कि हमें एक स्टीरियोटाइप को तोड़ना है कि जो वुमेन है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं बन सकती। ऐसा स्टीरियोटाइप हमें तोड़ना है। हमारे पास कितनी ऐसी इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारी मेरी खुद की इतनी स्टूडेंट्स हैं जो कि आज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में इंजीनियर हैं, और उनके अंडर एक टीम काम कर रही है। ये बड़े एजाज की बात होती है कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन जाएं और आपके अंडर एक टीम काम कर रही हो, ठीक है। अब हॉक एविएशन सर्विसेज क्या है और इसके बारे में, तो आशाम आप ही बताएंगे इसके बारे में कि हॉक एविएशन सर्विसेज क्या है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपके साथ, हॉक एविएशन सर्विसेज एक इदारा है जिसका उन्होंने मतलब एक ख्वाब है हमारा, एक समझ लें आप कि पाकिस्तान में या ऐसे इंजीनियर्स पैदा करना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पैदा करना जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और वही हमारा ख्वाब लेकर हम आगे बढ़े हैं जिस पर हम सब चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर इस चीज़ को पूरा करें। हम करवा क्या रहे हैं, बेसिकली हम इस वक्त जो ऑफर कर रहे हैं वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये हमारा 4 साल का लाइसेंस प्रोग्राम है हमारा। इसका क्राइटेरिया ये है कि मैट्रिक, इंटर, ए लेवल्स, ओ लेवल्स या तो फिर DAE, ये क्राइटेरिया है। और एक दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ इस्माइल, अगर आप चाहें तो, वो मैं शेयरिंग ये करना चाहता हूँ कि कमिंग मंडे को 16 तारीख को हमारे कराची कैंपस में हमने एक इंट्री टेस्ट स्केड्यूल किया है। इफ़ अगर जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए, अगर वो चाहता है कि यार मैं जहाज़ में काम करूं या मैं, मतलब उसका कोई भी ड्रीम हो, तो वो ज़रूर आए मंडे को 3:30 बजे 16 मार्च, याद रखिएगा ये दिन इंशाल्लाह। ओवर टू यू। चलेंगे, थैंक यू।
अच्छा तो हॉक एविएशन सर्विसेज के बारे में, जैसा कि अशाम ने आपको बता दिया कि हम 4 साल का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रोग्राम करवाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार ये डिग्री है, नहीं ये डिग्री भी नहीं है, क्या ये डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा भी नहीं है, ये लाइसेंस कोर्स है। अगर आप लाइसेंस कोर्स को देखेंगे तो आपको यूरोप और USA की साइड पे बहुत सारे ऐसे लाइसेंस कोर्स मिलेंगे जो कि सिर्फ लाइसेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये उनमें से एक कोर्स है। और हमारी एफिलिएशन है एयरटेक बिल्डिंग जर्मनी के साथ। एग्जामिनर जो है स्टीफन स्ट्यू, वो जर्मनी से आता है और यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करता है, पेपर लेके जाता है, उसको करेक्शन करता है उसके अंदर, और वो आपके सर्टिफिकेट्स, इफ़ यू आर पास तो आपके सर्टिफिकेट वो दे देता है लाके। अच्छा सेकेंडली जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जॉब प्लेसमेंट के अंदर भी स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन करते हैं और उसमें हम भरपूर आपका साथ निभाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप पूरा 4 साल हमें दें और जो अब टॉप परफॉर्म करें उसके अंदर, देन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अच्छा इसका एजुकेशन इम्पार्टमेंट रोड मैप कैसा है वो भी अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि EASA कैटेगरी ए लाइसेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो एग्जामिनेशंस हैं वो कैटेगरी बी लेवल पे होते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होता है तो हम आपको कैटेगरी ए लाइसेंस देते हैं। अच्छा EASA लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो प्रोग्राम आपको फीजिबल इस तरह से पड़ता है कि इसमें फर्स्ट ईयर जो होता है वो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर इज डेडिकेटेड टू द क्लासरूम ट्रेनिंग और थ्योरी ट्रेनिंग। सेकेंड ईयर के अंदर आप जो हैं वो हमारे साथ क्लासरूम ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं और अपना ASSL में एक्सपीरियंस भी स्टार्ट कर देते हैं। देखें जब आप एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं ना तो आपको अपनी जॉब मार्केट भी देखनी होती है, तो जॉब मार्केट हमेशा क्या डिमांड करती है, वो करती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ 6 महीने का नहीं, 6 महीने का जो एक्सपीरियंस दिया जाता है उसको कहते हैं इंटर्नशिप। हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि जो आपको जहाज पे एक्सपीरियंस मिल रहा है वो हम 3 साल का दे रहे हैं, कोई अगर 6 महीने का दे रहा है तो दैट इज़ एन इंटर्नशिप। 6 महीने का एक्सपीरियंस इज ऑफ नो यूज कंसिडरिंग, अगर आप कंसिडरिंग जॉब मार्केट, अगर आपकी हॉबी है तो 6 महीने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है एज ए हॉबी, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इन सेकंड ईयर, प्रैक्टिकल आपका ASSL के साथ स्टार्ट हो जाता है। थर्ड एंड फोर्थ ईयर जो है वो आपका होता है सरीन एयर के साथ डेडिकेटेड एक्सपीरियंस, सरीन एयर की फ्लीट के ऊपर, उसके जहाज़ों के ऊपर। तो अब मूव ऑन करते हैं मॉड्यूल के कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लोग आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएंगे अभी। मॉड्यूल 1 है मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 है फिजिक्स, मॉड्यूल 3 है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, मॉड्यूल 4 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉड्यूल 5 है डिजिटल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉड्यूल 6 है मटेरियल एंड हार्डवेयर, मॉड्यूल 7 है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, मॉड्यूल 8 है बेसिक एरोडायनामिक्स, मॉड्यूल 9 है ह्यूमन फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन फैक्टर्स का ही आज एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मॉड्यूल 10 है एविएशन लेजिस्लेशन जो कि लॉ के बारे में बात करता है। मॉड्यूल 11 है टर्बाइन एरोप्लेन एरोडायनामिक्स स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। मॉड्यूल 15 है गैस टर्बाइन इंजन। मॉड्यूल 17 है प्रोपेलर। जैसा कि मैंने आपको कहा हमारा एविएशन इंडस्ट्री एक्सपोजर, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लेंगे इसको, सरीन एयर के साथ है और एयरक्राफ्ट सेल्स एंड सर्विसेज या ASSL के साथ भी है और लाहौर के अंदर हाइब्रिड एविएशन के साथ भी हमारा एविएशन इंडस्ट्री एक्सपोजर है। तो ये थी मेरी बेसिक प्रेजेंटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने आपके साथ बोइंग की रिपोर्ट भी शेयर कर दी और एयरबस का मैं आपको वर्बली वैसी रिपोर्ट बता देता हूँ। एयरबस की जो रिपोर्ट है वो जो है सिटीज एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट है, ये पूरी 86 पेजर रिपोर्ट है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, आप जाएं ऑनलाइन लिखें इसको और आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगी। दो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। अच्छा बस मैं जरा ये एयरबस की वो कंप्लीट, ठीक है, हाँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी माइक पे लेने पड़ेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी, ठीक है ठीक है।
अच्छा, एयरबस कहता है कि अगले 10 साल के अंदर जो फ्लीट है उसके अंदर 39,210 एयरक्राफ्ट मजीद बढ़ेंगे। जब एयरक्राफ्ट बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस की साइड भी बढ़ रही है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और अगले 10 साल के अंदर एयरबस ये क्लेम करता है कि द परसेंटेज जो है वो 200% हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी एयर ट्रैफिक। जब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एयर ट्रैफिक डबल हो जाएगा, तो मतलब एविएशन के जो जो रूट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। बढ़ने का मतलब है कि जहाज बढ़ेंगे, जहाज बढ़ने का मतलब है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई हमारी बेसिक थीम और जो मैंने रीकैप देना था। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी ऑन दिस। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है अली शाह का, वो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए लाइसेंस एंड कैटेगरी बी, डिफरेंस बता दे दोनों में। ठीक है। अच्छा देखें, कैटेगरी ए और बी में बहुत मोटा सा डिफरेंस, फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाज की जब मेंटेनेंस होती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, तो मेंटेनेंस जो परफॉर्म कर रहा होता है ना बंदा, जो परफॉर्म कर रहा होता है, एक वो होता है और एक इंजीनियर होता है जो जहाज को रिलीज करता है। रिलीज से मुराद ये है कि वो साइन करता है एक पेपर के ऊपर कि जहाज इज फिट टू फ्लाई नाउ। तो जो बंदा रिलीज पे साइन कर रहा होता है ना, वो होता है कैटेगरी बी वाला। ठीक है, तो कैटेगरी बी इंजीनियर हैज द अथॉरिटी टू रिलीज द एयरक्राफ्ट। कैटेगरी ए जो इंजीनियर होता है वो, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो रिलीज कर सके जहाज को। जहाज के ऊपर काम जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो कैटेगरी बी को होती है। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ये कहा था कि हम कैटेगरी बी के एग्जामिनेशन करवाते हैं, लेकिन 3 ईयर के एक्सपीरियंस के होने की वजह से वो कैटेगरी ए अप्लाई कर रहा होता है। जैसे स्टूडेंट हमारा जो पास आउट होगा वो कैटेगरी ए का लाइसेंस ले लेगा, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस और लगाना है और उसके पास कैटेगरी बी का लाइसेंस हो जाएगा, तो ही विल बी एबल टू सर्टिफाई द जहाज फॉर रिलीज। दूसरा सवाल है बाबर अली खान का। अच्छा बाबर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर आवर फॉर बीइंग आवर रेगुलर व्यूअर। बाबर कहते हैं हाउ मेनी एक्सपीरियंस विद सरीन एयर, सरीन एयर के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सरीन एयर के साथ हम 2 साल का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। हर स्टूडेंट को 2 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है सरीन एयर के साथ। और तो अगेन, जो लोग हमें देख रहे हैं वो प्लीज हमारी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपने लाइक्स बढ़वाना चाह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि हम एक प्रोसेस में हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हमें मिल जाएगी आपके मीडियम के थ्रू, हमारे मीडियम के थ्रू, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। शाम आज के टॉपिक पे आ जाएं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मर्फीज लॉ से। लेकिन बड़े मजे का लॉ है मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ कहता है Anything that can go wrong will go wrong. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो मर्फीज लॉ है ना, ये एक empirical लॉ है, ये based on observation लॉ है। ये कोई लॉजिक और कोई इसमें कोई थ्योरी ने इसको प्रूव नहीं किया, ये based on observation लॉ है। ये आपको खुद पता चल जाएगा। देखें, वो कहता है कि anything that can go wrong will go wrong. ठीक है, हमें क्या करना होता है उसके अंदर? वो कह रहे हैं कि जो चीज खराब, जो चीज ने गलत होना है वो गलत होके रहेगी। देखें, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो जो जिस चीज का हमें एक्सपेक्टेशन है ना कि वो गलत होगी, तो हम उसके अंदर सारे मेजर्स ले लें टू इंश्योर कि यार उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए गलत होने की। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास है, ठीक है, इसको मैं टेबल के कॉर्नर पे रख देता हूँ, ठीक है, तो ये लोग यहां से गुजर रहे हैं, अगर लोग यहां से गुजर रहे हैं तो कोई ना कोई इस ग्लास को टक्कर मार के नीचे गिरा देगा। लेकिन मैंने इस ग्लास को टेबल के बीच पर रख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर को कम कर दिया, मैंने इस ग्लास को यहां रख दिया, तो ये मेरी तरफ से एक प्रिकॉशनरी मेजर हो गया, जो कि मर्फीज लॉ यही इंडिकेट कर रहा होता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। सेकेंड मर्फीज लॉ, बहुत सारे मर्फीज लॉ हैं, अगर आपको गूगल पे जाएं और मर्फीज लॉ लिखेंगे तो बहुत सारे एम्पेरिकल मर्फीज लॉ आ जाएंगे आपके पास। कहता है कि एवरीथिंग टेक्स लॉन्गर देन यू थिंक। हर एक चीज के लिए आपको बहुत आपकी सोच से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है।
ठीक है, ये बात भी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेटरी तौर पे बिल्कुल सही है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं वो हमारे इंतज़ार हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा देर बाद मिलता है। अच्छा, फिर ये एक मज़े की चीज़ कहता है कि नथिंग इज़ एज ईजी एट एज इट लुक्स, जो चीज़ जितनी आसान दिखती है उतनी वो आसान होती नहीं है। ठीक है, तो शाम आपको पता चल गया मर्फीज लॉ, ऐसे बहुत सारे मर्फीज लॉ हैं जो आपको एम्पेरिकली मिलेंगे। और लिटरली मुझे जो मर्फीज लॉ मैंने जो पेरा लग पढ़ा ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। मतलब जो चीज को गलत होना है तो वो होना है हम उसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैं आता हूँ अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर के डर्टी डजन और 12 कॉमन कॉज ऑफ एरर। देखें, डर्टी डजन इसको इसलिए कहा गया है, तो डजन एक तो 12, तो ये 12 लॉ 12 वो हैं कॉजेज हैं, ठीक है। और डर्टी इसलिए कहा गया है कि ये अगर होंगे किसी चीज़ के अंदर तो उस चीज़ के अंदर एरर बढ़ जाएगा, उस चीज़ के अंदर गलतियां पाई जाएंगी। अब आप इसको, आप जिस भी फील्ड से हैं, आप बेशक नॉन एविएशन फील्ड से हैं, आपको इसके अंदर एक ज़रूर एक लेसन मिलेगा। देखें, हम एक काम करने जा रहे हैं, उस काम की हमें नॉलेज ही नहीं है, तो दैट इज़ काउंटेड एज लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको एक काम की लैक ऑफ नॉलेज और आप वो काम करने निकल पड़े तो यू आर डूइंग अ डैमेज नॉट टू द एंटिटी बट टू योर सेल्फ एज वेल। ठीक है, आपको जो काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये थी कि लैक ऑफ नॉलेज डर्टी डजन में से सबसे फर्स्ट कॉज है कि लैक ऑफ नॉलेज होती है, नॉलेज ही नहीं है एक चीज़ की और आप वो नॉलेज और आप वो काम करने निकल पड़े। अच्छा, सेकंड है लैक ऑफ असर्टिवनेस, किसी भी चीज़ को इंश्योर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक काम कर लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक चेयर थी, मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखनी थी, मैंने वो रख दी या नहीं भी रखी, मुझसे कोई बाद में क्वेश्चन करता है कि यार तुमने चेयर को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कह दिया हाँ यार रख दी होगी, लेकिन इसमें असर्टिवनेस मिसिंग थी। मैंने चेयर को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखा या नहीं रखा ये मुझे जाके कंफर्म करना चाहिए था दोबारा। तो दिस इज़ द लैक ऑफ असर्टिवनेस, हम जो है वो अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें कि यार अभी याद नहीं आ रहा तो चलो रखी ही होगी, ऐसा नहीं होता। मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉज, लैक ऑफ रिसोर्सेस। देखें, अब इसके मैं आपको बहुत ज़्यादा जनरल एग्जाम्पल दूंगा, मैं डेलिबरेटली एविएशन की एग्जाम्पल नहीं दे रहा आपको, उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई जो हमारे साथ है इस वक्त, हमारे व्यूवर्स हैं, वो मेरे साथ रिलेट कर सकें इस चीज़ में। लैक ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मेरे घर पे कोई काम आ गया, मेजर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, ठीक है, अब मैं वो काम करने निकल पड़ा, तो ये पूरा हत्तुल इम्कान ये चांस है कि मैं जो हूँ उस पूरे घर की लाइन्स में या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को खराब कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज में फिर मैं क्या करूंगा कि मैं रिसोर्स को बुलाऊंगा, प्रॉपर रिसोर्स को जो कि इलेक्ट्रीशियन है, उसको मैं बुलाऊंगा और वो काम करवाऊंगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारी चीजें हम इसलिए कर जाते हैं कि हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस होना एक चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं ये 6 कवर करूंगा, फिर उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 6 के बाद, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो आपको दैट डज नॉट लैंड यू इन अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है, क्योंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जिस जो काम आप कर रहे हैं आप फुली अवेयर हैं उससे या नहीं है, ठीक है। एक हार्ट सर्जन है, वो कार्डियक साइंसेस से वो पूरा अवेयर है या नहीं है, उससे उसके बाद में वो बाईपास करेगा ना, उससे पहले तो बाईपास नहीं कर सकता। शाम कोई कार्डियोलॉजिस्ट अगर विदाउट अवेयरनेस आपकी बाईपास खुदा ना खास्ता करनी पड़े तो आप करवाएंगे? अच्छा, एक चीज जो कि मैंने यहाँ सबसे ज्यादा देखी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हर एक चीज की बेसिक और रूट कॉज होती है, गलती या एक फसाद की या फिर एक मिसकमिटमेंट की। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंडे को, जैसे कि शाम आपने बताया ना, मंडे 16 तारीख को अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉल आती है
तो मैं उनको कह देता हूँ कि मैं आपके पास आऊँगा मंडे को 16 तारीख को 3:30 बजे, ठीक है? फिर हम जो है अपने एंड से प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसकी सीट रिजर्व हो जाती है। फिर हमारे पास जब मजीद कॉल्स आती हैं तो हम उसको एंटरटेन नहीं करते कि फलाने बंदे ने मुझे कन्फर्म किया हुआ है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से नहीं आ सकते तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें, लेकिन एक प्रायर एक कम्युनिकेशन कर दें, आप इन्फॉर्म कर दें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना रखें। कम्युनिकेट करेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी या कन्वे होगी। बाद में आपसे फॉलो अप किया जाए तो भाई आप क्यों नहीं आए, तो आप जितने भी रीजंस देते रहें वो फिर वैलिड नहीं लगते। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप राइट टाइम पर राइट मैसेज कन्वे करें, और टाइमिंग इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देन मूविंग ऑन टू लैक ऑफ टीम वर्क। अच्छा देखें, एक टीम वर्क होता है, उसके अंदर टीम लीडर भी होता है और टीम मेंबर भी होता है। तो टीम लीडर भी अच्छा होना चाहिए और टीम मेंबर भी अच्छा होना चाहिए, तभी एक अच्छा टीम वर्क बनता है। तो अ लीडर इज सपोज टू बी अ लीडर, ठीक है? वो ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और द गुड टीम मेंबर शुड फॉलो द लीड, ठीक है? तो ये टीम वर्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम के अंदर काम कर रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ टीम मेंबर और एज अ टीम लीडर। आपको जो रोल दिया गया है आप उस पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। इफ यू आर गिवन अ टास्क ऑफ बीइंग अ टीम मेंबर, तो आपको टीम मेंबर बनना चाहिए। इफ यू आर गिवन अ टास्क टू बी अ टीम लीडर, तो आपको अच्छा टीम लीडर बनना चाहिए। हशाम, मैंने आधे कवर कर लिए। बिल्कुल, आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है अब्दुल्ला याकूब, वो कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी जी। अच्छा, जॉब सिक्योरिटी, अब्दुल्ला मैं आपके क्वेश्चन को दो तरीके से देखता हूँ। सबसे पहली तो ये चीज के जॉब सिक्योरिटी, देखिए मैंने आपके साथ बोइंग की रिपोर्ट शेयर की, मैंने आपके साथ एयरबस की रिपोर्ट शेयर की। पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री अभी बूमिंग पे है, बूम कर रही है, ठीक है? तो जब आप ये कोर्स हमारे पास से क्लियर करते हैं, 4 साल आप हमारे पास लगाते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल हासिल करते हैं, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है आपकी जॉब सिक्योरिटी देना। उसकी वजह यह है कि ये राइट टाइम है इस कोर्स को करने का, और पूरी दुनिया में इस कोर्स की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई हैव हर्ड के ऑस्ट्रेलिया जो है वो इमिग्रेशन भी दे रहा है इस कोर्स के ऊपर, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि हम आपके जॉब गारंटी दे सकें, हम आपकी जॉब सिक्योरिटी दे सकें, प्रोवाइडेड कि यू स्टार्ट दिस 4 ईयर्स प्रोग्राम विद अस इन राइट टाइम, ठीक है? बाबर अली खान कह रहे हैं, where is your address? का पता कहां पर है? हमारा एड्रेस है बाबर अली खान साहब, अगर आप कराची में हैं तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 के अंदर है। सिंपली आप गूगल मैप अगर आप यूज करते हो तो हॉक एविएशन सर्विसेज कराची लिखें तो हॉक एविएशन सर्विस कराची आ जाएगा आपके पास। वो हमारी पिन हुई है लोकेशन राइट जगह पे, आप वहां पहुंच जाएं। अगर आप इस्लामाबाद, मेरे ख्याल कराची के हैं ये, कराची के, अगर इस्लामाबाद में, तो हमारा इस्लामाबाद में सैटेलाइट टाउन पे कैंपस हमारा मौजूद है। अलवीना कह रही है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? अलवीना, अच्छा अलवीना, क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, देखें वी स्टार्ट विद मैट्रिक, ठीक है? जो आप अगर आपने मैट्रिकुलेशन की भी है तो मैट्रिक, इंटर, O levels, A levels and DAE are our minimum qualification required. ठीक है। अली शाह कह रहे हैं BS aircraft technology और aircraft maintenance license में क्या फर्क है? उनका सवाल है कि BS और license में क्या फर्क है? BS उन्होंने किसमें कहा है? Aircraft technology। देखें BS aircraft technology में थोड़ा सा ये फर्क है कि BS कोर्स जो है वो थोड़ा सा अजम्पशन की तरफ भी जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी थ्योरीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, और जो लाइसेंस प्रोग्राम होता है ना वो सोली एंड सोली बेस्ड होता है जॉब के ऊपर, जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, अभी जैसे सरीन एयर है, सरीन एयर फिर हमसे कम्युनिकेट करेगी हमें इस तरह की रिसोर्स चाहिए जो कि EASA का कैटेगरी A लाइसेंस ली हुई होगी, तो हम
अपने पास जो हमारे स्टूडेंट होंगे हम उनको टोटली लाइसेंस वो बेस करेंगे उस पर कि अभी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के बेस पे लाइसेंस दिया जाता है। जैसे मोर ऑफ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, थ्योरी जो है वो थोड़ा सा फिर आप उसी कैटेगरी में निकल जाते हैं, जो अगर आपने मेरी वीडियो बाद में ज्वाइन की है पहले देखें तो आप उसी कैटेगरी में निकल जाते हैं 10,000 और 15,000 लोगों की कैटेगरी में जो कि पास आउट होते हैं, लेकिन फिर वो उसमें से 500 लोग एम्प्लॉयड होते हैं, बाकी के सारे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड, और अल्लाह उनका भी साथ दे, अल्लाह उनको भी एम्प्लॉयड करे कहीं ना कहीं। बाबर अली खान कह रहे हैं कैन यू गिव मी अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, दोबारा बोलो मेरी। बाबर अली खान कह रहे हैं कैन यू गिव मी अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, कल का अपॉइंटमेंट चाहिए उनको। बाबर अली खान कल है थर्सडे, थर्सडे सेकंड हाफ कर लो, सेकंड हाफ ठीक है। सेकंड हाफ पे आप हमारे पास 3 बजे आ जाएं बाबर अली खान साहब। हमारा कैंपस है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप आएं हमारे साथ वन ऑन वन सेशन करें, एक एक कप चाय पिएं, ठीक है? तो यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है? और बाबर अली खान का एक क्वेश्चन है, सरीन एयर में एक्सपीरियंस पेड और अनपेड, ये जरा माइक पे कहें। बाबर अली खान का क्वेश्चन है सरीन एयर में एक्सपीरियंस पेड है और अनपेड है। देखें एक्सपीरियंस जो आप सरीन एयर में हासिल करेंगे उसकी एक फीस है जो कि हम ऑब्वियसली सरीन एयर को भी देते हैं, उसकी फीस देनी पड़ती है आपको। वो एक्सपीरियंस आपका अनपेड है लेकिन उसकी फीस आपको देनी पड़ती है जस्ट टू गेट द ऑन जॉब ट्रेनिंग डन फ्रॉम सरीन एयर। क्वेश्चन डन। अच्छा, मूविंग बैक टू द टॉपिक, देखें अभी तक जो हमने बात की थी वो डर्टी डजन में से 6 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं कॉजेज ऑफ एरर हैं। अब हम करते हैं कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी ये होती है कि किसी भी काम को आसान ले लेना। देखें जब आप किसी भी काम को आसान लेते हैं ना तो आप उस काम के साथ जस्टिस नहीं करते। आपके अंदर एक बटरफ्लाई जब आती है ना, कहते हैं बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो वो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आपको थोड़ा सा नर्वस किया जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाए, ताकि स्ट्रेस एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है कि जो आपको फियर दिलाता है थोड़ा सा, ताकि आप एक काम को करने से पहले प्रिपरेशन कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा टेस्ट है और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हूँ, यार मैं रात में पढ़ लूँगा, मैं कल सुबह पढ़ लूँगा, 2 बजे टेस्ट है, 1 बजे पढ़ लूँगा, तो फिर ऐसे में मामला ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार कल टेस्ट है, वो आज से नर्वस हो जाते हैं, उसमें स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन वो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेसेंसी जो होती है वो किसी काम को आसान लेने को कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी। अच्छा, फिर है जो हम बात करेंगे फटीग। देखिए फटीग जो होती है वो ये होती है कि आपकी किसी भी किस्म की यानी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा आपका लेबोरियस वर्क है, एक्सेसिव काम है, या फिर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएं कभी, तो उसको कहते हैं फटीग। तो ये फटीग भी कॉज ऑफ एरर होता है। जब आपके ऊपर फटीग की कैफियत तारी हो तो आप कोई काम ना करें, आप रेस्ट करें, आप कोशिश करें कि उस फटीग की स्टेज से आप बाहर निकल आएं। देन मूविंग ऑन टू अब आते हैं हम प्रेशर के ऊपर। देखें प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, प्रेशर और स्ट्रेस जो कि इसके बाद स्ट्रेस आने वाला है। प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ों से प्रेशर हो सकता है। पीयर प्रेशर भी होता है, ठीक है, और पॉजिटिव प्रेशर भी होता है। प्रेशर एक किसी काम को प्रेशर में जब आप करते हैं ना तो आपकी क्रिएटिव एलिमेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक काम को अच्छा करने के लिए प्रेशर कभी कभार ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं तो आप वो काम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो प्रेशर इज़ एन अनदर एलिमेंट जो कि जो है आपको कॉज ऑफ एरर होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रेस। देखें स्ट्रेस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस ये होता है जो आपको हिप्नोटाइज कर दे, जो आपको स्ट्रेस की कैफियत से बाहर नहीं निकलने दे, जो आपके काम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे, ठीक है? अब स्ट्रेस जो होता है वो आपके काम, नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है वो आपके काम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और कॉज ऑफ एरर भी स्ट्रेस होता है एक।
पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हर काम से पहले होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखें नॉर्म्स देखें, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. यार आप, मेरी किताब में एक चीज़ लिखी है कि भाई पेन को इस तरह से पकड़ना, किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे परदादा दादा ऐसे पकड़ते आए, ठीक है, तो भाई मैं ऐसे ही पकड़ूंगा. यार ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, अगर एक चीज़ नॉर्म थी जो सदियों पुरानी चलती आ रही है और वो गलत है तो आप उसको सही करें. ज़रूरी थोड़ी कि सदियों पुराने एक कोर्स करता हुआ आ रहा हूँ मैं तो भाई मेरा बेटा भी वही करेगा, उसका बेटा भी वही करेगा. भाई आप खुद का दिमाग लगाएं, आज के ज़माने में जितनी रिसर्च आपके पास अवेलेबल है आप वो करें, आप जो है नए कोर्सेज ढूंढें, नए लाइसेंसेस प्रोग्राम ढूंढें, वो करें, ठीक है. तो ये कॉज ऑफ एरर भी होता है, और ये एरर जो है वो आपका जो आप कोर्सेज को मिस चॉइस करने में करते हैं ना, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी पे इफेक्ट करता है. देन लास्ट वन इज़ डिस्ट्रैक्शन. किसी भी काम में डिस्ट्रैक्शन अच्छी चीज़ नहीं होती. हाँ, आपको शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूर लेने चाहिए हर काम में जो कि आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो फिजिकली एंड मेंटली, तो आप उसमें शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लें, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दें. डिस्ट्रैक्शन इज़ अ कॉज ऑफ एरर. ये कॉज ऑफ एरर हमेशा रहेगा अगर आपके पास डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें रहेंगी. ठीक है शाम, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर था. हाँ एक मिनट मुझे भी ज़रा. अच्छा जी, क्वेश्चंस बताएं. एक मिनट आप माइक पे बताएगा. मोहम्मद मुबशिर जंजुआ कहते हैं, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द लाइसेंस एजुकेशन इन जर्मनी एज पर न्यू लेबर लॉ, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर एजुकेशन इन केस योर वांट टू गेट जॉब और वर्क इन जर्मनी. Does it formal education? चल मैं इनका क्वेश्चन देख के पढ़ता हूँ. How can we recognize license education in Germany? As per new labor law, you have to recognize your education in case you want to. अच्छा देखें मुबशिर, जब इस एजुकेशन को आपको रिकग्नाइज करवाना है या इस लाइसेंस को रिकग्नाइज करवाना है, ये दो चीज़ें. क्योंकि देखें जब आप हमारे पास, मैं आपसे बार बार इंफोसिस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि जब आप हमारे पास 4 साल का कोर्स करते हैं ना प्रोग्राम, तो आपको एट द एंड जो है आपके बिहाफ पे लाइसेंस अप्लाई किया जाता है फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्री. तो जब जो लाइसेंस आपके पास आ जाता है यूरोपियन, देन दैट इज़ एक्सेप्टेड इन जर्मनी, ठीक है. और इनका एक और सवाल ये था कि एज पर न्यू लेबर लॉ यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर एजुकेशन इन केस यू वांट टू गेट जॉब टू वर्क इन जर्मनी, दैट यूरोपियन लाइसेंस, दैट कैटेगरी ए लाइसेंस इज सफिशिएंट. वो आप जाके दिखाएंगे, उसके ऊपर आपको जॉब मिल जाती है. इवन मुबशिर, अगर आप एविएशन से जुड़े हुए पर्सनल हैं तो आप डिफरेंट ग्रुप्स पर भी देखते होंगे जिस पर जॉब्स आती हैं, वो कहते हैं कि मुझे एआसा का लाइसेंस चाहिए, ठीक है. वो ये नहीं कहते कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई हुई थी, कि आपने कहाँ से एजुकेशन की, मुझे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाओ. वो आपसे लाइसेंस मांगते हैं. आमिर गनी कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंसी. बिल्कुल आमिर गनी, थैंक यू. कॉम्प्लेसेंसी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि मैंने आपको कहा कि किसी भी काम को आसान लेना, बंदा वो अपने कॉन्फिडेंस में आसान नहीं लेता, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में आसान लेता है. बाबर अली खान कह रहे हैं, सर इफ आई वांट टू मीट टुमारो सो प्लीज गिव मी सम रेफरेंस इन इस्लामाबाद कैंपस. अच्छा बाबर अली खान, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में हमारे पास होते हैं मोहम्मद फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, ठीक है. आप सैटेलाइट टाउन में जाएं, आप गूगल मैप के ऊपर लिखें हॉक एविएशन सर्विस इस्लामाबाद, आप वहाँ पहुँच जाएंगे. वहाँ पहुँच के उमर फारूक से मिल लें, उनको बोल देगा कि इस्माइल ने भेजा है, तो वो आपकी जो भी क्यूरी होगी वो एंटरटेन कर लेंगे. ठीक है, मोहम्मद मुबशिर का एक और क्वेश्चन है उनका. I have a valid EASA license, but they don't accept as formal education. अच्छा मुबशिर, ये जो आपका केस है ना, if you are in Karachi, तो अगर they are not accepting this as a formal education, then believe me, you are the only one. क्योंकि आप हमारे पास आए,
हमसे डिस्कस करेंगे कोर्स, हम आपके बिहाफ पे ये केस सबमिट करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट इट इज काउंटेड एज अ फॉर्मल एजुकेशन. वो बिल्कुल इसको फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे करेंगे. हमारे ऑब्वियसली सोर्सेज अलग हैं, हम जो है अपनी सोर्सेज से आपकी एजुकेशन को वो करवाएंगे, रिकॉग्नाइज करवाएंगे. बाबर अली खान पूछ रहे हैं आप कराची से हैं या इस्लामाबाद? हम कराची. अच्छा, बाबर अली खान, हम जो हैं वो सिचुएटेड हैं कराची में, लेकिन हमारा कैंपस जो है वो कराची में भी है और इस्लामाबाद में भी है. आलिया मुबीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम आलिया मुबीन, होप यू आर डूइंग वेल. दूसरा क्वेश्चन यही मुबशिर का ही है उनका. द कंपनी कैन नॉट गिव यू अ वीजा, देयर आर अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, दे चेक योर फॉर्मल एजुकेशन. अच्छा यार, अगेन देखो, बहुत सारे लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन. अच्छा, जब आप बात करते हैं ना कि जर्मनी, तो जर्मनी का मतलब है कि उनके ऊपर पूरे यूरोपियन यूनियन के लॉज लग रहे हैं. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन गए हैं. आपका अगेन जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है. आप आए हमारे पास, हम आपके बिहाफ पे एक केस फाइल करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हल कर देंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी. ठीक है, अगेन अगर आपको दोबारा कोई मेरी बात में कंफ्यूजन दिख रही है या कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछें. आलिया मुबीन कहती हैं, सर माय सन इज इंटरेस्टेड इन एयर एविएशन. इंटरेस्टेड इन दिस, आई थिंक जो हम करवा रहे हैं इस वक्त उसमें इनके बेटे इंटरेस्टेड हैं. तो आलिया आप ये भी बता दें कि आपके बेटे जो हैं वो कितने बड़े हैं. तो इफ ही इज 16 इयर्स ऑफ एज एंड ही हैज डन मैट्रिकुलेशन, तो यू आर मोर देन वेलकम टू विजिट अस. यार आप जर्मनी में हैं, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे. मैं आपको, आप हमारे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर दें. मैं यूजुअली देख रहा होता हूँ इनबॉक्स फेसबुक का, तो आपका जो केस है उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके मुझे बता देना. ये लाइव सेशन जो मैं करता हूँ ना, बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉमन एक ग्राउंड पे बात कर रहा होता हूँ, तो मेरे लिए इंडिविजुअली आपका एक केस पे डिस्कस करना दैट वोंट बी सूटेबल. तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें फेसबुक पेज पे हमारे, और उस आपके केस को फिर किस तरह से प्रोसीड करना है वो इंशाल्लाह हम लोग प्रोसीड करेंगे आपके बिहाफ पे. नो सर, ही इज नाउ 9. अच्छा, देन गुड लक. उसको जहाज के बारे में बताते रहिएगा, जब वो बड़ा होगा तो वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कमाल ही करेगा इस फील्ड के अंदर. He is really interested. Then that's very good. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, हमारे शुरू के 8-10 मिनट तो उसमें चले गए थे कि ऑडियो नहीं आ रही थी. तो मुबशिर ने कुछ कहा है इसमें? एक क्वेश्चन है आयशा शेख का, वो कह रही है डिटेल्स अबाउट ईएमई कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयशा हमने पहले भी बता दिए, मैट्रिक, इंटर, ओए लेवल्स एंड डीएई, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग. आई थिंक हमें इस बार एज भी कंफर्म करनी चाहिए कि मिनिमम हमारी एज क्या है और मैक्सिमम क्या है. आई थिंक इट वुड बी बेटर लोगों को. दोबारा बोल, हमें एज भी बतानी चाहिए कि मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम कितनी है. अच्छा देखें, इस कोर्स के अंदर जो मिनिमम एज है ना वो है 16 इयर्स ऑफ एज. ठीक है, और अच्छा 16 इयर्स ऑफ एज है, उससे हम ये अज्यूम करते हैं कि मैट्रिक एटलीस्ट उसने किया हुआ हो. और मैक्सिमम एज कोई भी नहीं है. आपने जब भी आपका जो है वो माइंड बने कि मुझे ये कोर्स करना है तो आप बिल्कुल ये कोर्स करें. Yes, अच्छा आप हैं मुबशिर. यार मुबशिर भाई, यार बताओ ना, तुम्हारा तो नंबर भी है मेरे पास. लेकिन अब ये है कि मुझे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे अप्रोच कर लो, या तुम्हारा जो केस है उसको जेन्युइन हम कुछ देखते हैं उसको जेन्युइनली. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार कि तुम्हारा उसको वो फॉर्मल एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे. उसकी कोई ना कोई हम देख लेंगे, एटलीस्ट हम एनालिसिस कर लेंगे कि अरे हमारे एंड पे कोई मसला है या फिर वो सही समझ नहीं पा रहे हमारी इस एजुकेशन को. अलीशा कह रहे हैं, बीएस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी के बाद यासा लाइसेंस ले सकते हैं?
बीएस के बाद। अच्छा अलीशा देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बेशक आपने जो प्रोग्राम करना है वो करना है, आप करें यार। आपको देखो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। आप अगर 4 साल बाद हमारे पास आते हो और लाइसेंस के लिए एनरोल कराना चाहते हो अपने आप को, तो आपको हर सूरत 3 साल का एक्सपीरियंस तो लेना ही लेना है। तो आप ये देखो कि आप इतना डिले बर्दाश्त कर सकते हो, बिकॉज योर एज इज़ ऑल्सो नंबरिंग, ठीक है, आपकी एज इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। तो आप बैचलर्स करके आओगे 4 साल का, फिर उसके बाद बोलोगे मुझे ये लाइसेंस भी चाहिए, तो ये लाइसेंस के लिए आप 3 साल का एक्सपीरियंस भी करोगे, 1 साल का मॉड्यूल भी करोगे। तो फिर अगर आप इतना डिले देखना बर्दाश्त कर सकते हो, तो वैसे तो आपकी बात का जवाब है यस, आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक मशवरा एज अ करियर काउंसलर जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि वो आपकी बहुत ज़्यादा ईयर्स के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक अच्छा, मर्फीज लॉ और 12 कॉमन कॉजेज दैट ऑफ एरर डर्टी डजन, ये मैंने आपके साथ कवर कर लिया है। अब फॉर्मेट के मुताबिक मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का शेर बड़ा मज़े का है और बहुत मोटिवेशनल है। वो कहते हैं, न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, ठीक है। ये जमी भी आपके लिए नहीं है। न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, दिस यूनिवर्स इज फॉर यू। आप रिसर्च करके तो देखो, आप कदम उठा के तो देखो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो देखो, ये जहां आपके लिए होगा, तू नहीं जहां के लिए, ठीक है। फिर अगेन कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक कोट हम शेयर करते हैं, और वो कहते हैं, द ग्रेट मैन, अ ग्रेट लीडर कहते हैं कि फेलियर इज अ वर्ड अननोन टू मी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक इट राइट। जब आपने एक डिसीजन ले लिया है ना, तो उसमें कभी फेलियर का मत सोचेगा। जब आप हमारे साथ इंशाल्लाह 4 साल का प्रोग्राम करने आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार बहुत हेक्टिक जा रहा है, बहुत हमारे लिए टफ जा रहा है, लेकिन कभी भी फेलियर को अपने ऊपर तारी मत होने देगा। ये एक फेलियर है कि आप छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप अपना ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह बीच में छोड़ के जाते हैं ना, तो यू आर इन नो मैंस लैंड। हम आपको जब लेते हैं इस कोर्स प्रोग्राम के अंदर, तो हम आपको कंप्लीट प्रोडक्ट बना के निकालना चाहते हैं मार्केट के अंदर। हम आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान दे रहे होते हैं, हम आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी ध्यान दे रहे होते हैं, साथ साथ ऑब्वियसली लाइसेंस जो आपकी स्टडीज होती हैं उस पर ध्यान दे रहे होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो हमारे एंड पे हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो अपने आप को 4 साल कंप्लीटली डेडिकेटेड कर दें, ठीक है। एट द एंड हम एक प्रॉमिस करते हैं, और टू बिकम अ बेटर सोसाइटी। वो प्रॉमिस जो आज का है वो है कि हमें, वी हैव टू कीप अवर कंट्री क्लीन। हम कूड़ा कचरा जो है वो बाहर नहीं फेंकेंगे। बहुत सारे लोग बाइक पे चलते हुए कोई कूड़ा फेंक देते हैं, गाड़ी से कूड़ा फेंक देते हैं, घर के अंदर भी बाहर खिड़की से फेंक देते हैं कूड़ा। तो यार इस तरह से ना करें, प्रॉपर डस्टबिन्स हैं, डस्टबिन के अंदर कूड़ा डालें। और ये आज का मेरा मैसेज था, टू बिकम अ बेटर सोसाइटी। आयशा कह रही है, आई थिंक करंटली इट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एविएशन एजुकेशन। गुड लक। थैंक थैंक यू आयशा, थैंक यू। और कोई है सवाल? अच्छा, अगर आपको, अभी हम आपके साथ 5 मिनट और हैं, ठीक है, अभी हम आपके साथ 5 मिनट और हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडियो का कोई एरर आ गया था। तो आपको जो भी सवाल हैं, वी आर हेयर। देखें, आपको कोई भी सवाल हुआ करे तो आप जो हैं वो हमें, डोंट हेजिटेट टू रीच अस ऑन अवर फोन नंबर्स, अवर ईमेल्स, अवर फेसबुक पेज। जिस भी तरीके से आप हमें कैंपस पे विजिट करना चाहते हैं, आप विजिट कर लें। और अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स को हम जो हैं वो एडमिशन फीस पे 10% डिस्काउंट देते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जेंडर डाइवर्सिटी इस फील्ड के अंदर प्रमोट कर सकें।
और सेकेंडली हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश बेसिक 10th ग्रेड के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश, वो मंडे को 3:30 बजे स्केड्यूल्ड है, और जो इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के अंदर वो प्लीज़ हमारे साथ जो है अपीयर हो इस एग्ज़ाम्स के अंदर, और हमें कंफर्म कर दें आने से पहले हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर। और वो स्टूडेंट्स जो अभी अपने 9th और मैट्रिक के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको बहुत 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 गुड लक, और उनसे एक मेरी ये गुजारिश है कि डू वेल इन एग्ज़ाम्स, लेकिन अपने आप को स्ट्रेस और प्रेशर में इतना ज़्यादा मत ले आइएगा। देखें, जहाँ अपने आप को प्रेशर और स्ट्रेस में लाते हैं ना, वहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डीग्रेड होना शुरू हो जाती है। देखें, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस ये होता है कि यार वो आपके लिए ज़रूरी होता है, आप वो पॉजिटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस की हद तक रखें और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखें, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, देर इज़ नो एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग फॉर यू। आप जो हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, रिजल्ट जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। अशाम कोई ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वेबिनार आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने और अशाम ने, कि आप तक जो है वो बेस्ट हम एक कंटेंट लाएं और उसको डिलीवर करें। और मैं हूं इस्माइल जावेद, और मेरे साथ हैं अशाम अब्बासी। अशाम अब्बासी और इस्माइल जावेद को इजाजत दें फॉर दिस वेबिनार वेंसडे। और देखें, जैसे ही वेंसडे आए तो समझ जाएं कि वेबिनार वेंसडे आ गया है, तो #वेबिनार वेंसडे #जवाब मिलेगा। थैंक यू।